Hey, hello everyone. Welcome to my channel Need to Care. I'm Amisha and I hope you all are doing great. So doctor, जैसा कि अभी discussion चल रही है कि आपके जो rank है उसके accordingly आपको जो है चाहे वो all India quota हो, NBA diploma हो, DNB हो, dimmed universities हो, private colleges हो, कितनी rank पे जो है कौन कौन सी colleges मिल सकती हैं private हो, private colleges की बात करें या फिर government colleges की बात करें, कौन कौन सी branch आपको मिल सकती है category wise, चाहे वो आप general category से belong करते हो, SC से, ST से या OBC EWS से. तो हमने cover किया है 15 से लेकर 65,000 तक जो रैंक है वो हमने कवर कर लिया है दो चार वीडियोस में. 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65. अगर इस बीच में आपकी कोई रैंक बन रही है और आप इंटरेस्टेड हैं नीट पीजी एडमिशन के लिए, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से हो, चाहे वो DNB से हो, चाहे वो NB डिप्लोमा से हो, डिम्ड से हो, चाहे प्राइवेट से हो, अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर हमारे वो वीडियोज जो है वो चेकआउट कर सकते हैं. और अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पे दोनों पे दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं. एंड डॉक्टर्स, ऐसे ही वीडियोस के लिए, क्योंकि आगे अभी और भी अपडेट्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, तो ऐसे अपडेट्स के लिए आप लोग मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जो है जल्दी पहुंच जाए. और आप लोग नीट पीजी 2024 का जो काउंसलिंग होगा या फिर जो भी स्टेट्स की जो मैं अपडेट्स डालूंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक इमीडिएटली जो है वो रीच कर जाए. तो डॉक्टर, सबसे पहले शुरू करते हैं. इस बार हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे 65,000 से 75,000 के रैंक के बीच. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑल इंडिया कोटा से. डॉक्टर, सब बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा रैंक की. तो रैंक अगर आपकी 65,000 से 75,000 के बीच में है तो, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो सारी स्क्रीन पे आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं, चाहे वो रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थल, सेक्रेटरी, ENT, एनिस्थीसिया और पैथो, यहां तक कि कोई भी ब्रांच आपको क्लिनिकल ब्रांच जो है जनरल कैटेगरी पे पॉसिबल नहीं है अगर आपकी रैंक जो है 65,000 से 75,000 के बीच में बन रही है. सेम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो पैथोलॉजी के अलावा कोई भी ब्रांच जो है पॉसिबल नहीं है. एंड सेम एससी की बात करें तो एससी में भी पैथोलॉजी के अलावा कोई भी ब्रांच जो है आपको पॉसिबल नहीं है. एसटी की बात करें तो एसटी में आपको रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन और पीडिया को छोड़कर आपको जो है सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी. लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन, अगर आपकी रैंक जो है 2-3 हजार और एक्स्ट्रा बढ़ती है तो आपको इमरजेंसी मेडिसिन जो है मिल जाएगी इजिली. अब बात करते हैं डीएनबी की. डीएनबी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी, चाहे वो रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, सेक्रेटरी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, पैथो, जो है कोई भी ब्रांच आपको जनरल कैटेगरी में नहीं मिलेगी. एंड सेम अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें भी आपको पैथोलॉजी के अलावा कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी. एससी में भी पैथोलॉजी के अलावा आपको कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी. डीएनबी में अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी में आपको रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ये जो है ब्रांचेस ये नहीं मिलेंगी. लेकिन ओबीजी के साथ थोड़ा सा है कि अगर आपका रैंक जो है 60,000 से और थोड़ा प्लस जाता है तो आपको पॉसिबल है. अगर बात करें रेस्पिरेटरी मेडिसिन की, इमरजेंसी मेडिसिन की, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, सेक्रेटरी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, जो है ये ब्रांचेस जो है आपको एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको ये पॉसिबल है. अब बात करते हैं एमबीए डिप्लोमा की. तो अगर आपकी रैंक 65,000 से 75,000 के बीच में बन रही है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो डीएमआरडी, डीसीएच, डीजीओ, डीटीडीसी, ये सारी जो है पॉसिबल नहीं है. डीओ की बात करें तो पॉसिबल है. डीएलओ में अगर आपकी रैंक जो है 65,000 से थोड़ी सी बढ़ती है, 67,000 तक जाती है तो आपको डीएलओ जो है पॉसिबल है. डीए, डीएफएएम जो है वो पॉसिबल है इस रैंक पे. अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की. अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो डीएमआरडी, डीसीएच, डीजीओ, डीटीडीसी जो है ये पॉसिबल नहीं है. डीओ, डीएलओ, डीए, डीएफएएम जो है वो पॉसिबल है. एससी में भी सेम एज ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये चार ब्रांचेस जो है डीएमआरडी, डीसीएच, डीजीओ, डीटीडीसी, ये पॉसिबल नहीं है. बाकी के जो चार ब्रांचेस है वो पॉसिबल है. और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक जो है 65,000 से 75,000 के बीच में बन रही है तो ये सारी ब्रांचेस जो है आपको मिल जाएंगी.
अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। अगर आपकी रैंक जो है 65,000 से 75,000 के बीच में है तो रेडियो 55 से 75 लाख में आपको बिहार की सीट जो है एनआरआई सीट जो मैंने आपको पहले ही ब्रीफ किया है वो राजस्थान कर्नाटका की अदर कोटा जो सीट्स हैं वो आपको रेडियो डायग्नोसिस 55 लाख से 75 लाख पर एनएम में मिल जाएगी। डरमा की बात करें तो 55 से 75 लाख सेम बिहार एनआरआई राजस्थान कर्नाटका अदर कोटा। जनरल मेडिसिन की बात करें तो 55 लाख पर एनएम बिहार एनआरआई राजस्थान कर्नाटका अदर कोटा। पीडिया की बात करें तो 22 से 30 लाख यूपी बिहार पौंडीचेरी एचपी हिमाचल प्रदेश। ओबीजी की बात करें तो 30 से 40 लाख पर एनएम में आपको राजस्थान और हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो 22 से 35 लाख पर एनएम में आपको यूपी पौंडीचेरी राजस्थान मिल सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 22 से 35 लाख पर एनएम में यूपी पौंडीचेरी राजस्थान। ऑर्थो की बात करें तो 22 से 40 लाख कर्नाटका यूपी बिहार पौंडीचेरी वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगी। जनरल सर्जरी 22 से 30 लाख कर्नाटका यूपी बिहार पौंडीचेरी वेस्ट बंगाल एचपी। और ऑप्थल की बात करें तो 22 लाख पर एनएम एमपी यूपी बिहार राजस्थान पौंडीचेरी। सेक्रेटरी 22 लाख से 30 लाख पर एनएम एमपी यूपी राजस्थान पौंडीचेरी। ईएनटी की बात करें तो अप टू 20 लाख पर एनएम मध्य प्रदेश यूपी राजस्थान। एनेस्थीसिया की बात करें तो 12 से 18 लाख पर एनएम में आपको एमपी यूपी कर्नाटका बिहार राजस्थान में सीट्स जो है मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी की। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपकी रैंक जो है 65,000 से 75,000 के बीच में बन रही है तो रेडियो आपको 55 से 70 लाख पर एनएम, डर्मा आपको 48 से 60 लाख पर एनएम, जनरल मेडिसिन 50 लाख तक मिल जाएगी 50 लाख पर एनएम, पीडिया की बात करें तो 40 से 50 लाख पर एनएम, ओबीजी की बात करें तो 32 से 48 लाख पर एनएम, रेस्पिरेटरी मेडिसिन 35 से 40 लाख पर एनएम, इमरजेंसी मेडिसिन 30 से 40 लाख पर एनएम, ऑर्थो की बात करें तो 35 लाख पर एनएम, जनरल सर्जरी 35 लाख पर एनएम, ऑप्थल की बात करें तो 24 लाख पर एनएम, सेक्रेटरी 24 लाख पर एनएम, ईएनटी 24 लाख पर एनएम और एनिस्थीसिया 20 लाख पर एनएम में आपको मिल जाएगी अगर आपकी रैंक जो है 65,000 से 75,000 के बीच में बन रही है। सो डॉक्टर्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर आपकी जो रैंक है वो 65,000 से 75,000 के बीच में बन रही है तो चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, एनबी डिप्लोमा हो, डीएनबी हो, डिम्ड यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, आपको कौन कौन सी सीट्स मिल सकती हैं, किस कैटेगरी पे कौन कौन सी नहीं मिल सकती है। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस और डिम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैंने फी वाइज आपको जो है बता दिया कि कौन कौन सी स्टेट में आपको वो सीट्स मिल सकती हैं, कौन कौन सी स्टेट में नहीं मिल सकती है। सो डॉक्टर्स, आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियोज मैं आपको आपके लिए बनाऊं वो आप तक जो है इजिली वे में पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।